शर्मा, यूपी में 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश का आंकड़ा 21 लाख करोड़ पहुंच गया है। आइए देखते हैं संवाददाता रजत सिन्हा की रिपोर्ट। यूपी में 10 से 12 फरवरी के बीच होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारी जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश का आंकड़ा अब तक 21 लाख करोड़ पहुंच गया है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के माध्यम से निवेश जुटाने की योगी सरकार की कोशिशें परिणाम सोच से कहीं बेहतर दिख रहे हैं। निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो कि राज्य सरकार द्वारा तय किए गए संशोधित लक्ष्य 17 लाख करोड़ से कहीं अधिक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेशकों की सबसे अधिक रुचि देखी गई है। कुल निवेश प्रस्ताव 56% इसी सेक्टर के खाते में जाता दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतने बड़े निवेश प्रस्ताव राज्य सरकार की नीतियों और प्रोत्साहन पर मुहर लगा रहे हैं। राज्य सरकार निवेशकों को कैपिटल सब्सिडी के साथ साथ स्टैम्प ड्यूटी में छूट समेत कई रियायतें दे रही है। दूसरा नंबर कृषि क्षेत्र का रहा है। 15% निवेश के प्रस्ताव और एमओयू कृषि क्षेत्र में हुए हैं। वहीं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में 8%, टेक्सटाइल में 7% और पर्यटन में 5% निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को अब तक हासिल हो चुके हैं। इसके अलावा शिक्षा, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, सौर ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर एमओयू हुए हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, जिसे पश्चिमांचल भी कहा जाता है, निवेश खींचने में सबसे अधिक सफल रहा है। कुल निवेश प्रस्तावों और एमओयू का 45% हिस्सा इसी क्षेत्र के खाते में गया है। इसकी वजह इस क्षेत्र का दिल्ली से जुड़ाव और यहां का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। पश्चिमांचल के साथ ही प्रदेश का पूर्वी हिस्सा यानी पूर्वांचल भी निवेशकों को लुभा रहा है। इस क्षेत्र को भी औद्योगिक नीति के तहत कई तरह की रियायतें मिली हैं। अब तक हासिल निवेश प्रस्तावों का 29% हिस्सा पूर्वांचल को मिलता दिख रहा है। वहीं मध्यांचल और बुंदेलखंड को 13-13% निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। 10 से 12 फरवरी के बीच वृंदावन योजना में 50 एकड़ में तैयार की जा रही इसी टेंट सिटी में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश और विदेश के बड़े तमाम नेता और उद्योगपति शामिल होंगे। समय के लिए वृंदावन कार्यक्रम स्थल से कैमरामैन राजेश कुमार के साथ रजत सिन्हा।